हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फैंटास्टिक चाइनीज़ डिश जिसका नाम है चिली चिकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों से बनता है। आप इसे ड्राई बनाएं या क्रिस्पी चिली चिकन बनाएं या थोड़ा सा सॉसी बनाएं, ये बहुत ही तरीक़ों से बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और चिकन की सबसे जल्दी बनने वाली डिश भी है ये। तो चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन लिया है जो डाइसेस में मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये बोनलेस है, आप चिकन ब्रेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, ये बोनलेस होता है बिल्कुल, और आपको इसमें बोनलेस करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक चम्मच साल्ट ऐड करेंगे और उसके बाद एक चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और एक छोटा चम्मच हमने वाइट विनेगर का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच सोया सॉस का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने एग का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने चार बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। और अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हमें इस तरह करना है कि ये अच्छे से कोट हो जाए हमारे कॉर्नफ्लोर के साथ में। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है, लगभग एक चम्मच, जिससे इसकी कोटिंग अच्छे से हो सके और ये बिल्कुल भी विदाउट कोटेड ना रहे। अच्छे से देखिए कोट हो चुका है चिकन हमारा। और मैंने इसे मैरिनेट नहीं किया है और हम इसे अब फ्राई करेंगे। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। यहाँ पे मैंने तेल गर्म करके लिया है और गर्म तेल में, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें ये चिकन नहीं डालना है, थोड़ा सा मीडियम गर्म ही होना चाहिए। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को हम सॉफ्ट और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें वरना अदरवाइज़ आपका चिकन एकदम हार्ड हो जाएगा और फिर वो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसे ओवर कुक ना करें, देखिए इसी तरह से बिल्कुल कुक करें और लो फ्लेम पर ही करें, लो से मीडियम फ्लेम पे। ये कुछ इस तरह से हो गया है और इसे एब्सॉर्बेंट पेपर पे निकाल लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो चम्मच ऑयल ऐड किया है और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज ले लिए हैं, कुछ कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज़, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये मैंने गार्लिक क्लोव्स ऐड की हैं और अदरक और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं इस तरह से काट कर। इंग्रेडिएंट्स कितना क्या है आप आराम से लिस्ट में देख सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिखा दिया है। और अब इसे हमें एक मिनट के लिए भूनना है। ओवर को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर और फ्लेम को मीडियम रखें। अब कुछ एक मिनट के बाद में ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगा अपना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डाइस्ड किए हुए कैप्सिकम, डाइस्ड अनियन डाल दिए हैं और फ्लेम को हम हाई ही रखें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच शुगर का ऐड किया है, इससे इसका कलर तो बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप देख सकते हैं कितने ग्रीन दिख रहे हैं, इसका कलर इसी तरह से बना रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन चम्मच, बड़े चम्मच मैंने सोया सॉस का ऐड किया है और एक चम्मच रेड चिली सॉस का और एक चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे मैंने तीन बड़े चम्मच पानी का यूज़ किया है। आपको जैसा भी चिकन चाहिए आप उसी तरह से पानी का यूज़ करें। मुझे बिल्कुल ड्राई ही चाहिए था तो मैंने इसमें कम पानी डाला। और अब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने दो चम्मच पानी का यूज़ किया है
और अब हमें इसका मिक्सचर प्रिपेयर करना है और अपने इस चिली चिकन के सॉस में डाल देना है और गाढ़ा होने तक हमें इसे हाई फ्लेम पे ही सॉटे करना है। बिल्कुल इसी तरह से अब देखिए सॉस गाढ़ा होने लगा है और जैसे ही सॉस गाढ़ा हो जाएगा हम अपना फ्राइड चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल इसी तरह से और यहाँ पे एक चम्मच वाइट विनेगर का यूज़ किया है मैंने। और एक चम्मच टोमेटो सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा चिकन टोमेटो सॉस का चाहिए तो आप ऐड करें, अदरवाइज आप ना ऐड करें। और अब हमें इसे बढ़िया से मिक्स करना है एकदम। अब आप देख सकते हैं क्रिस्पी चिकन है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे और इसे गर्म ही गर्म सर्व करें और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये थी मेरी चिली चिकन की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।